नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कई बार जब आप एटीएम पे पैसा निकलवाने जाते हैं और आपका पैसा तो नहीं निकलता लेकिन आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आखिर कैसा वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो आप फॉलोअप करके आपका पैसा 100% आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएगा। मैं आपको लाइव डेमो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपको कस्टमर केयर पर कंप्लेन करनी है और इसका जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। कई बार कह रहता है हमें प्रोसेस पता नहीं होता और हम उसी चीज़ में उलझ जाते हैं। देखिए, इसके अंदर ना चार स्टेप्स आप समझिए। सबसे पहला, अगर यदि इस तरह की इंसिडेंट होता है आपके साथ तो 48 घंटे के अंदर आपका पैसा रिटर्न होता है 90% केसेस में, तो आप 48 घंटे तक वेट करें। अगर 48 घंटे हो जाए उसके बाद आप कस्टमर केयर पर कंप्लेन करें। कस्टमर केयर पे जब आप कंप्लेन करेंगे आपको कस्टमर के एक कंप्लेन नंबर मिलेगा, वो आपको 7 दिन का पीरियड देते हैं। अगर 7 दिन के बाद भी आपका पैसा ना आए और वो जो कंप्लेन आपने करी है उसको क्लोज कर दिया जाए तो फिर आप उस कंप्लेन को रीओपन करवाएं, उसी कंप्लेन को। अगर फिर भी आप इंतज़ार करने के बाद ना आए तो बैंकिंग एडवर्टाइजमेंट में आप जा सकते हैं। अब मैं एक एक करके आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, कई बार जैसे ही अकाउंट आपका डेबिट होता है और पैसा एटीएम से बाहर नहीं निकलता, कई इंसिडेंट में तुरंत इंस्टेंट क्रेडिट मिल जाता है आपको, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि 90% के केसेस में 48 घंटे लगते हैं पैसा वापस आने में, और सिर्फ 5 या 10% लोग ही ऐसे रहते हैं कि उनका कैश में पैसा वापस नहीं आता। तो अब आप चाहे किसी भी बैंक का एटीएम यूज़ कर रहे हो, आप एटीएम के पीछे देखिएगा, जो एक काली पट्टी होती है उसके ऊपर कस्टमर केयर का नंबर लिखा होगा जो कि हर बैंक के लिए अलग अलग है। देखिए, आप एटीएम की कंप्लेन के लिए ना तो ब्रांच में जाए ना हेड ऑफिस में जाए, क्योंकि आप अपना टाइम ही बर्बाद करेंगे, क्योंकि हर किसी बैंक ने अपना एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया हुआ है और जो ये नंबर होता है ये उस सेंट्रलाइज सिस्टम में कंप्लेन दर्ज कराने के लिए यही नंबर होता है, नहीं तो आप अन्यथा अपनी एनर्जी ही बर्बाद करेंगे। अब मैं आपको एक लाइव रिकॉर्डिंग बताता हूँ कि किस तरीके से मैंने मेरे एटीएम की कंप्लेन करी और उन्होंने कौन सा और कितना इजी और कन्वीनियंट वे में मेरा कंप्लेन दर्ज किया गया। नमस्कार, भारतीय स्टेट बैंक में आपका स्वागत है। हिंदी में जारी रखने के लिए 1 और अपनी भाषा बदलने के लिए 0 दबाएं। प्रिय ग्राहक, हमारे मेन्यू विकल्प बदल गए हैं, कृपया इच्छित विकल्प चुनने से पहले ध्यान से सुने। अपने एटीएम कार्ड, यूपीआई अथवा इंटरनेट बैंकिंग यूजर आईडी को ब्लॉक करने के लिए या किसी फ्रॉड की सूचना देने के लिए 0 दबाएं। पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से खाते की जाँच करने के लिए 1 दबाएं। एटीएम कार्ड या प्रीपेड कार्ड के लिए 2 दबाएं। एटीएम कार्ड का पिन जेनरेट करने या बदलने के लिए 1 दबाएं। अपने एटीएम कार्ड को ट्रैक करने के लिए 2 दबाएं। स्टेट बैंक विदेशी यात्रा कार्ड और रुपया प्रीपेड कार्ड के लिए 4 दबाएं। शिकायतों के लिए 5 दबाएं। हमारे सलाहकार से बात करने के लिए 9 दबाएं। हम ग्राहक सेवा अधिकारी से संपर्क करा रहे हैं, कृपया होल्ड कीजिए। ये कॉल हमारे गुणवत्ता विभाग के प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जाएगी। अपनी गुप्त जानकारी जैसे कि ओटीपी, सीवीवी, एटीएम पिन, टी पिन, यूजर नेम या पासवर्ड इस कॉल पर ईमेल के द्वारा या एसएमएस के द्वारा किसी के साथ ना बांटें, बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं। नमस्कार, मैं गोपाल, आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैंने एटीएम से 7 जुलाई को पैसे निकलवाने की कोशिश करी थी 2000 रुपए, तो मेरा अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन पैसे एटीएम से विड्रॉ नहीं हुए थे और वो अब तक रिटर्न नहीं हुए। आप चाहेंगे आपको जो सीधा ये सर निश्चित रहेगा आपकी पूरी सहायता की जाएगी। सर, जान सकता हूँ जो आपने इसके लिए कोई कंप्लेंट दर्ज कराई थी इससे पहले? नहीं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी सर। मैं इसके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेन दर्ज कर लूंगा। क्या मैं जान सकता हूँ आपका अकाउंट नंबर? हाँ, 323। चेक कर लेता हूँ, लाइन पे बने रहेगा कृपया। आप महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे सर, आपको हमारी ओर से कोई कॉल नहीं आएगा, फोन, ईमेल या एसएमएस पर किसी को भी अपना एटीएम कार्ड पिन या ओटीपी ना बताइएगा आप। जी ठीक है,
पूरा नाम जान सकता हूँ मैं आपका? मुरारी गर्ग। ब्रांच का नाम जान सकता हूँ? ये है शिवगंज 11314 है ब्रांच कोड। जानकारी देने के लिए धन्यवाद, समय दीजिएगा। ट्रांजेक्शन कब किया था आपने? ये 7 जुलाई को किया था। 7 जुलाई को कितने रुपए का ट्रांजेक्शन किया था आपने? 2000 रुपए का। 2000 रुपए का प्राप्त नहीं हुआ आपको? हाँ। मैं इसके रिगार्डिंग आपकी दर्ज कर लेता हूँ, लाइन पर बने रहिएगा कृपया। तो बताना चाहेंगे, मैंने इसके रिगार्डिंग आपकी कंप्लेंट दर्ज कर ली है, उसका टिकट नंबर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा आपको सेंड कर दिया गया है और आपकी कंप्लेंट का रिजोल्यूशन का अनुमानित समय भी आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा आपको मिला है। ठीक है, बताना चाहेंगे जानकारी के लिए सर, आपकी जो कंप्लेंट है विद इन 5 डेज में रिजोल्व हो जाती है। कंप्लेंट का स्टेटस आप चेक कर सकते हैं 5 दिनों के बाद में बैंक की वेबसाइट पर लॉग इन करके, वेबसाइट है www.sbi.co.in या फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से SMS भी सेंड कर सकते हैं। टाइप करना होता है कैपिटल में ATM स्पेस टिकट नंबर कंप्लेन का और उसको सेंड कर दीजिएगा 5676 पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर की, तो कंप्लेन का स्टेटस चेक कर पाएंगे या फिर हमारे पास कॉल भी कर सकते हैं आप जी। ठीक है, अन्य कोई सहायता इससे संबंधित? नहीं, बस यही चीज। सर बताना चाहेंगे हमारी सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कॉल आपकी ट्रांसफर की जा रही है रिकॉर्डेड वॉइस सिस्टम से, कैसे 1 से 5 तक अंक दर्ज कर अपना अनुभव बताएं, 5 संतुष्टि के लिए तथा 1 असंतुष्टि के लिए। जय में कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपकी शाम मंगलमय हो। जब आप कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा जिसके अंदर उस कंप्लेंट का नंबर होगा और आपको यह भी कहा जाएगा कि विद इन 5 डेज आपकी ये कंप्लेंट रिजॉल्व हो जाएगी। आप इस कंप्लेंट नंबर को संभाल के रखिएगा। आप इस कंप्लेन नंबर को, जैसे अगर यदि आपका SBI में अकाउंट है तो आप इस कंप्लेन नंबर का स्टेटस भी जान सकते हैं, ATM स्पेस कंप्लेन नंबर, और इस नंबर को आप 567676 पर सेंड कर दीजिए तो आपको एक मैसेज रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा कि आपकी कंप्लेन का स्टेटस क्या है। अब आप 7 दिन गुजर जाने के बाद या तो आपकी कंप्लेन क्लोज कर दी जाएगी, आपके अकाउंट में वापस पैसा भर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोबारा उसी नंबर पर कस्टमर केयर को कंप्लेन करें, और कंप्लेन करते वक्त आप नई कंप्लेन दर्ज ना कराएं, इस चीज़ का ध्यान रखें। आप अपनी पुरानी कंप्लेन का रेफरेंस नंबर दें कि ये कंप्लेन है, आप इसको रीओपन करें, तभी आपका मैटर रिजॉल्व होगा। क्योंकि जब आप उसी कंप्लेन को रीओपन करवाते हैं तो बैंक, चाहे कोई भी बैंक हो, वो उस कंप्लेन का इन्वेस्टिगेशन बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यानी कि वो उसमें बारीकियों से देखते हैं कि वाकई में कस्टमर का पैसा निकला नहीं था या कस्टमर झूठी कंप्लेन दे रहा है। अब आता है, मान के चलिए आपने दोबारा भी कंप्लेन रीओपन करवा दी और उसमें जब जो आपने जो ATM से पैसा निकाला था उस इंसिडेंट को 30 दिन पूरे हो चुके हैं, तो 30 दिन पूरे होने के बाद भी आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया ना आपका कैश विदड्रॉन हुआ, तो आप क्या करेंगे? RBI अमर्डेजमेंट में अपनी कंप्लेंट करेंगे। उसमें कंप्लेंट कैसे करनी है उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप ये तीनों स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो 100% आपका जो भी पैसा है वो वापस आपके अकाउंट में आएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ATM में अगर कभी आप इस तरह की प्रॉब्लम का से जूझेंगे तो आप मेरा वीडियो देख के आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने WhatsApp ग्रुप पर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।